कोई हिफाजती बंदोबस्त ना ही इकदाम। पंजाब हुकूमत का कमेटी सिफारिशात से कबल ही फरवरी में बसंत मनाने का ऐलान। साथ ही साथ वजीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में रस्मी कमेटी भी बना दी। सूबाई वजीर इतलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाएंगे। जानी नुकसान से बचने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? खुदा न खास्ता जानी नुकसान होने पर जिम्मेदार कौन? जानलेवा और धाती और केमिकल डोर तुंदी शीशे के मांझे को करेगा कौन कंट्रोल? क्लच तार से मुतवक्का बिजली के तारों को होने वाला नुकसान पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? क्या जानलेवा त्यौहार में मोटरसाइकिल सवार महफूज रहेंगे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बसंत बारे बड़ा फैसला। पार्टी चेयरमैन इमरान खान से ताहाल इजाजत ना ली गई। पंजाब हुकूमत ने अपनी सतह पर मुशावरत में फैसला किया। यूसुफ सलाहुद्दीन को इमरान खान से इजाजत लेने का टास्क देने पर गौर। जराए का कहना है ताहाल काबीना के अरकान की भी राय सामने नहीं आ सकी। लाहौर में बसंत का मामला, 7 बरसों में कमेटी ने मुखालफत की। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने बसंत मनाने की इजाजत देने से इनकार किया था। 2016 में कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा बसंत पर माइनस काइट फ्लाइंग हर इवेंट की इजाजत है। धाती डोर और फायरिंग के वाकयात कंट्रोल नहीं होते। पुलिस घर में दाखिल हो तो चादर और चार दीवारी की खिलाफ वर्जी की शिकायत होंगी। प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के लिए पंजाब असेंबली के कवायद और जवाबित में तरमीम। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत कमेटी के सरबराह नामजद। हुकूमती मेंबरान में चौधरी जहीरुद्दीन, मियां असलम इकबाल, सईद अकबर खान नवानी शामिल। मुस्लिम लीग नून के वारिस कल्लू, मलिक अहमद खान, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा और राह हक पार्टी के माविया आजम रुकन होंगे। पीपी 168 की टिकट के लिए उम्मीदवारों में खींचातानी। आपसी चपकलिश और ग्रुपबंदी। जमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवार राणा खालिद को नाकामी की वजह करार। पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे खत्म हुए और ना वोटर्स को किसी ने मोबाइल्स किया। इलेक्शन में नाकामी के इसबाब जानने के लिए कायम कमेटी ने पार्टी क्यादत को वजूहात से आगाह कर दिया। शहर और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 45 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट लाहौर की जानिब था। शहरी कलमा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। लूट मार वो नैब की सूरत में अंदर भी खूबसूरत बनाने वाले भी होने चाहिए। पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर लगाया हुआ है। दयानतदारी के जरिए से दयानतदारी का काजल लगाकर, शराफत का और मेहनत की जनाब आईलाइनर लगाकर वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जो है वो खूबसूरत बनाने लगे हुए हैं। लूट मार का बाजार गर्म करने वाले अंदर और बाहर से बदसूरत हैं। ब्यूटी पार्लर का किरदार अदा कर रहा है। सियासतदानों, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स पर लगे स्याह धब्बों को नैब साफ कर रहा है। सूबाई वजीर इत्तला'आत की फिर मुखालफीन को ललकार। बोले ब्यूटी पार्लर बाहर से चेहरे साफ करते हैं, नैब अंदर से साफ कर रहा है। नैब के ब्यूटी सैलून में ईमानदारी का काजल और शराफत का आई लाइनर है। फयाजुल हसन चौहान की अलहमरा में गुफ्तगू। तजावजात का मामला, शालम मार्केट को 1934 के स्कीम प्लान के मुताबिक बनाने का फैसला। बाकी तामीरात मिसमार कर दी जाएंगी। वॉल सिटी अथॉरिटी ने मंजूर शुदा प्लान की निशानदही के लिए एलडीए से खिदमात मांग ली। पुराने नक्शे की तफसीलात भी तलब। एलडीए के शोभा स्टेट मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग ने रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। पंजाब में जारी मुख्तलिफ मंसूबों में बेजाब्तगियों का इंकशाफ। प्रोजेक्ट पोस्टों पर बेजा भर्तियां और गैर जरूरी अखराजात हुए। वजीर आला सेक्रेटरिएट ने रिपोर्ट पेश कर दी। इजाफी अखराजात पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया।
एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में कुदरती गैस के बाद एलपीजी भी नायाब। मुनाफाखोरों ने मौका गनीमत जाना और मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। एलपीजी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी की कीमतें कम करो, अवामी रिक्शा यूनियन की मुतालबात तस्लीम ना होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रक्षा जलाने की धमकी। अवामी रिक्शा यूनियन का चिमटे तवे देचकियां सिलेंडर उठाकर नैब ऑफिस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रक्षा यूनियन का एलपीजी माफिया के खिलाफ नैब में सबूत के साथ दरखास्त देने का ऐलान। चोरों और चौकीदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए, मजीद गौरी। अरबों रुपए के फंड्स कहां कहां खर्च किए, बल्दिया उज्मा ने सब बता दिया। 13 अरब रुपए के बजट में 9 अरब गैर तरक्याती और 4 अरब तरक्याती कामों के लिए रखे गए। रवा साल 1 अरब 91 करोड़ से जायद की 80 तरक्याती स्कीमों का तखमीना लगाया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तफसीलात सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी। स्ट्रीट लाइट्स और मेन होल्स की स्कीमें मेयर की मंजूरी और एतराजात दूर करने के बावजूद महकमा बल्दियात ने रोक दी। बल्दिया उज्मा का मौकफ। शहरी बाल्टी में पानी भरकर गाड़ियां धोएं। एलडी और बासा पहले मरहले में पाइप के जरिए गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद करें। पानी का जया रोकने से मुतल्लिक हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब हुकूमत पानी महफूज बनाने से मुतल्लिक इकदामात के बारे में अदालत को आगाह करे, जस्टिस अली अकबर कुरैशी। सर्विस स्टेशंस पर गाड़ियां धोने के लिए पानी का भेजा इस्तेमाल। वासा ने शहरियों की आगाही के लिए तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। अदालती अहकाम के मुताबिक बजरिया पाइप गाड़ी धोना मना है। वासा की सर्विस स्टेशन मालिकान को हिदायत। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के 16वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खसूसी शिरकत। 1327 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब कहते हैं हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। और इंटरनेशनल ओपन हॉकी टूर्नामेंट का दूसरा रोज कजाकिस्तान ने नेपाल को 6 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट 11 और उज़्बेकिस्तान दोस्ताना मैच खेलेंगे।